नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन कम्युनिटी में आप सभी का स्वागत है। प्रीलिम फोकस्ड इस फास्ट ट्रैक रिवीजन कोर्स में आज हम छत्तीसगढ़ के इतिहास के अंतर्गत जो कलचूरी वंश है उससे रिलेटेड 15 क्वेश्चंस को डील करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, कलचूरी शासक कलिंगराज के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो देखिए, यहाँ पर चार कथन दिए गए हैं, चार स्टेटमेंट दिया गया है, हमें इसे पढ़ना है और जानना है कि इसमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो कि असत्य है। ठीक है, याद रखिएगा, असत्य की बात चल रही है यहाँ पर। तो पहला स्टेटमेंट है, वह छत्तीसगढ़ में कलचूरी वंश का संस्थापक था। किसके बारे में बात की जा रही है? कलिंगराज के बारे में। इसने अपनी राजधानी तुम्मान को बनाया। तहकीक हिंद में अल बरूनी ने इनका वर्णन किया है। और चौथा स्टेटमेंट है, पृथ्वीदेव प्रथम के अमूदा ताम्रपत्र में इनका वर्णन है। तो देखिए, ये 1000 ईस्वी के आसपास की बात है, जब त्रिपुरी में कोकल देव द्वितीय का शासन चल रहा था। इसके शासनकाल में कलिंगराज ने दक्षिण कौशल पर आक्रमण किया था और यहाँ के जितने भी जनपद हैं उसे जीत कर यहाँ पर उसने स्थायी रूप से अपनी सत्ता को स्थापित किया था। ठीक है, ये समय क्या है? 1000 ईस्वी। क्या किया था उसने कि 1000 ईस्वी में वो दक्षिण कौशल पे आक्रमण किया, उसने यहाँ के जितने भी जनपद है सभी जनपद को जीत कर लाफा जमींदारी के अंतर्गत तुमान एक प्लेस है उसे अपनी राजधानी बनाकर यहाँ पर दक्षिण कौशल के एरिया में कलचूरियों की वास्तविक सत्ता को स्थापित किया था। मतलब ये कि जो कलिंगराज है वो दक्षिण कौशल में कलचूरी वंश का क्या है? संस्थापक है। तो इसमें जो पहला स्टेटमेंट है वह छत्तीसगढ़ में कलचूरी वंश का वास्तविक संस्थापक था, तो हाँ ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा है कि इसने अपनी राजधानी तुम्मान को बनाया, तो हाँ इसने अपनी राजधानी किसे बनाया? तुम्मान को बनाया, जो कि कोरबा जिले के अंतर्गत आता है। तीसरा स्टेटमेंट है, तहकीक हिंद में अल बरूनी ने इसका वर्णन किया है, तो हाँ तहकीक हिंद एक किताब है जिसकी रचना किसने की है? अल बरूनी ने की है। अल बरूनी जो है वो विद्वान है, धर्मज्ञ है, वैज्ञानिक है। ये इसकी जो रचना है तहकीक हिंद उसमें कलिंगराज की चर्चा की गई है, इसका वर्णन किया गया है। ये जो अल बरूनी है ये फारसी विद्वान था और ये महमूद गजनबी के साथ भारत आया था। चौथा स्टेटमेंट है, पृथ्वीदेव प्रथम के अमूदा ताम्रपत्र में इनका वर्णन है। पृथ्वीदेव प्रथम जो है वो कलचूरी वंश का चौथा शासक है और अमूदा से मिले ताम्रपत्र से ये जानकारी मिलती है कि ये जो कलिंगराज है ये त्रिपुरी के शासकों के अधीन रहकर यहाँ पर कार्य कर रहा था और यहाँ पर राज्य करते करते उसने अपने जितने भी शत्रु हैं उसका क्षय किया और अपने राजश्री को बढ़ाया था। तो इस प्रकार से ये चारों स्टेटमेंट जो है वो क्या है? सही है। और हमें क्या बताना है कि कौन सा कथन असत्य है? अब पढ़ते हैं हम ऑप्शन को। तो देखिए, यहाँ पर ऑप्शन क्या क्या है? ए 2 और 3, बी केवल 3, सी केवल 4 और डी इनमें से कोई नहीं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि सभी के सभी स्टेटमेंट जो है वो सत्य है और हमें क्या बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट असत्य है। तो इनमें से ऐसा कोई भी स्टेटमेंट नहीं है जो कि असत्य है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलचूरी कालीन मंदिर के द्वार पर लिखा होता है। देखिए, यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, ए ओम नमः शिवाय, बी श्री गणेशाय नमः, सी शुभ लाभ और डी श्री लक्ष्मी नमः। तो कलचूरी कालीन शासन व्यवस्था की बात करें तो इस समय सभी धर्मों का प्रभाव था, चाहे बात की जाए शैव की, वैष्णव की, जैन की, बौद्ध धर्म की, तो सभी धर्मों का प्रभाव था। लेकिन ये जो कलचूरी कालीन शासक है ये स्वयं जो थे वो शैव के उपासक थे। शैव के उपासक होने के बावजूद इस शासन काल में आप देखेंगे कि बहुत सारे विष्णु मंदिर का, महामाया मंदिर का, एक वीरा मंदिर का निर्माण कराया गया है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि इस समय सभी धर्मों का प्रभाव था। इनकी जो कुल देवी थी वो कौन थी? गजलक्ष्मी थी। और इनके जो सिक्के होते थे उसमें भी माता लक्ष्मी जो थी वो अंकित थी। लेकिन हम इनके ताम्रपत्रों की बात करें तो इनका ताम्रपत्र का जो लेख होता था वो ओम नमः शिवाय से प्रारंभ होता था। और रतनपुर का जो महामाया मंदिर है वहाँ भी मंदिर के द्वार पर क्या लिखा गया है? ओम नमः शिवाय लिखा गया। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, कलचूरी कालीन मंदिर के द्वार पर ओम नमः शिवाय लिखा होता है। क्यों? क्योंकि ये जो शासक थे ये लोग क्या थे? शैव के उपासक थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलचूरी कालीन प्रशासनिक विभाजन में विभाजित एक गढ़ कितने गांव का समूह होता है? देखिए, इसमें ऑप्शन दिया गया है, ए 12, बी 18, सी 36 और डी 84। तो आइए इसका आंसर जानने की कोशिश करते हैं। ये जो कलचूरी कालीन शासन व्यवस्था थी ये सुदृढ़ विकेंद्रीकृत व्यवस्था थी जिसमें प्रमुख कौन होता था? राजा होता था और इसकी सहायता के लिए मंत्री, अधिकारीगण और विभिन्न प्रशासनिक पदों पर वहां के स्थायी लोगों को नियुक्त किया गया था।
ये जो अधिकारी होते थे ये अपने अधिकार क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से कार्य करते थे। प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से पूरे राज्य को गढ़ में बांटा गया था। गढ़ जो था वो बरहो में विभाजित था और बरहो जो था वो ग्राम में विभाजित था। ग्राम जो था वो राज्य की सबसे छोटी इकाई थी जिसके हेड का नाम क्या था, गौटिया। 12 गांव के समूह को बरहो कहा जाता था। देखिए यहाँ पर नाम से ही समझ में आ रहा है, बरहो बरहो मतलब कि 12 गांव का समूह। इसके हेड को दाऊ या फिर तालुकाधिपति कहते थे। और 7 बरहो के समूह को एक गढ़ माना जाता था। यहाँ पर देखिए 7 बरहों के समूह को एक गढ़ माना जाता था, या फिर हम ये कह सकते हैं कि 12 सत्य 84 गांवों के समूह को एक गढ़ माना जाता था, जिसके हेड को दीवान कहा जाता था। गढ़ के बाद प्रशासनिक इकाई की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि 100,000 गांवों के समूह को मंडल कहा जाता था। ठीक, तो ये सभी जो थी ये प्रशासनिक इकाई थी जिसके हेड को अलग अलग नाम से जाना जाता था। सभी जो अधिकारी थे वो अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से कार्य करते थे। देखिए यहाँ पर जो गढ़ शब्द है वो किसी किले से रिलेटेड नहीं है, ये जो गढ़ है इसे गांव कहा जाता है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि 84 गाँव के समूह को एक गढ़ माना जाता था, तो यहाँ पर जो गढ़ शब्द है वो गाँव के लिए प्रयोग किया गया है, ये आप लोग याद रखिएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 84। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उचित संबंध बनाइए। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में कलचुरीकालीन मंत्री और अधिकारीगढ़ के नाम दिए गए हैं और दूसरी तरफ उसके विभाग के नाम दिए गए हैं कि किस विभाग के ये मंत्री हैं या फिर अधिकारीगढ़ हैं। तो हमें क्या करना है, इनमें संबंध बनाना है कि ये जो पर्टिकुलर मंत्री या अधिकारीगढ़ हैं ये कौन से विभाग से रिलेट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहला दिया गया है महासंधि विग्राहक और उसके सामने लिखा गया है किले की रक्षा करने वाला। दूसरा है महाप्रतिहार, उसके सामने लिखा गया है विदेश मंत्री। तीसरा है महाप्रमात्री या प्रभात्री कह सकते हैं, इसके सामने लिखा है राजा का संरक्षक। चौथा है महाकुट्टसाल, इसके सामने लिखा गया राजस्व विभाग का प्रमुख। और महापीलूपति पांचवा है जिसके सामने लिखा गया हस्ती सेना का प्रमुख। तो देखिए जो कलचुरीकालीन शासन व्यवस्था थी उसमें मंत्री परिषद हुआ करता था राजा की सहायता के लिए, और ये जो मंत्री परिषद थी इसे कलचुरी काल में अमात्य मंडल कहा जाता था। इसमें बहुत सारे विभागों के मंत्री थे, जिसमें से देखिए यहाँ पर जो 3 ऊपर के नाम दिए गए हैं ये सारे मंत्री हैं और जो नीचे 2 नाम दिए गए हैं वो अधिकारीगढ़ हैं। तो आइए जानते हैं ये कौन कौन से विभाग से रिलेट करते हैं। तो जी महासंधि विग्राहक, ये जो महासंधि विग्राहक था ये विदेश मंत्री हुआ करता था, तो इसका मैच क्या होगा, 1 का B। दूसरा है महाप्रतिहार, जो महाप्रतिहार था वो संचार विभाग का प्रमुख हुआ करता था और राजा का संरक्षक हुआ करता था, तो इस प्रकार से दूसरा का मैच क्या हो जाएगा, C। तीसरा है महाप्रमात्री, महाप्रमात्री जो था वो जमाबंदी विभाग का प्रमुख हुआ करता था, वो भूमि लगान निश्चित करता था। तो देखिए यहाँ पर जो D नंबर में लिखा है राजस्व विभाग का प्रमुख, ये इसका मैच हो जाएगा, तो तीसरे का क्या हो जाएगा आंसर, D। चौथा है महाकोट्टसाल, जो महाकोट्टसाल था वो किले की रक्षा करने वाला अधिकारी था, तो चौथे का मैच हो जाएगा A। और पांचवा लिखा है महापीलूपति, महापीलूपति जो था वो हाथियों की सेना का प्रमुख अधिकारी था, तो इस प्रकार से पांचवे का मैच होगा E। यहाँ पर ऑप्शन में आपको सेलेक्ट करना है कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसका मैच पहले का B है, दूसरे का C है, तीसरे का D है, चौथे का A है और पांचवे का E है। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर D, जिसमें ये सारे मैच जो हैं वो दिए गए हैं। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर D। हमारा अगला क्वेश्चन है किस कलचुरी शासक के शासनकाल में त्रिपुरी नरेश गया कर्ण ने दक्षिण कौशल पर आक्रमण किया था। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या क्या है, देखिए ऑप्शन नंबर A है जाजल्यदेव प्रथम, B रत्नदेव द्वितीय, C पृथ्वीदेव द्वितीय और D रत्नदेव तृतीय। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन B रत्नदेव द्वितीय। अब कैसे होगा ये देखते हैं। तो ये जो रत्नदेव द्वितीय है ये जाजल्यदेव का बेटा था और जाजल्यदेव की मृत्यु के बाद 1120 ईस्वी पे यह राजगद्दी पर बैठा था और इसका शासनकाल कब से कब तक था, 1120 से लेकर 1135 ईस्वी तक।
तो जो इसके पिता थे जाजल्यदेव प्रथम, ये बहुत ही प्रतापी शासक था कलचूरी वंश का। इसने क्या किया था, इसके जो जितने भी पहले शासक थे जो दक्षिण कौशल में राज्य कर रहे थे वो सभी के सभी त्रिपुरी के अधीन रहकर इस क्षेत्र पर राज्य कर रहे थे। लेकिन जब जाजल्यदेव यहाँ का राजा बनता है तो वो क्या करता है, त्रिपुरी से अपनी स्वतंत्रता घोषित कर लेता है और अपनी स्वतंत्रता को प्रदर्शित करने के लिए बहुत सारे यहाँ पर सोने और तांबे के सिक्के ये जारी करता है। तो जैसा कि रत्नदेव द्वितीय के पिता ने किया था जाजल्यदेव प्रथम ने, कि उसने त्रिपुरी की अधीनता जो थी वो स्वीकार नहीं की थी, तो उसी प्रकार जब उसका बेटा जो है राजगद्दी पर बैठता है तो वो भी अपने पिता के समान त्रिपुरियों की अधीनता जो है वो स्वीकार नहीं करता और उसे शो करने के लिए ये भी बहुत सारे सोने और तांबे के सिक्के जारी करता है। यही कारण था कि रत्नदेव द्वितीय के शासनकाल में जो त्रिपुरी में राज्य कर रहे शासक गया कर्ण, उसने दक्षिण कौशल पर आक्रमण कर दिया था। लेकिन गया कर्ण को यहाँ पर हार का सामना करना पड़ा और इस युद्ध में रत्नदेव द्वितीय की क्या हुई, जीत हुई। इस युद्ध में जो मेन भूमिका थी, अहम भूमिका थी, वो इसके सामंत वल्लभ राज की और इसके मंत्री पुरुषोत्तम राज की थी। तो इस प्रकार से किसके शासनकाल में गया कर्ण ने आक्रमण किया था, तो रत्नदेव द्वितीय के। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, रत्नदेव द्वितीय। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न कलचूरी शासकों में सबसे ज़्यादा अभिलेख किस कलचूरी शासक के प्राप्त हुए हैं। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, ए पृथ्वीदेव प्रथम, बी प्रताप मल्ल, सी जाजल्यदेव प्रथम और डी पृथ्वीदेव द्वितीय। तो इस क्वेश्चन के आंसर को देखने से पहले हम जितने भी दक्षिण कौशल के कलचूरी शासक हैं उनके शासनकाल के क्रम में पहले वो जान लेते हैं कि ये शासक कौन कौन से थे, उसके बाद हम इसकी चर्चा करेंगे, इस आंसर पर आएंगे। तो कलचूरी वंश का जो संस्थापक था उसका नाम था कलिंग राज, फिर शासक हुआ कमल राज, फिर रत्नदेव प्रथम, पृथ्वीदेव प्रथम, जाजल्यदेव प्रथम, रत्नदेव द्वितीय, पृथ्वीदेव द्वितीय, जाजल्यदेव द्वितीय, जगदेव या जगतदेव कहते हैं इसे, जो भी आप लिख सकते हैं, जगतदेव या जगदेव, रत्नदेव तृतीय, प्रताप मल। तो इतने शासकों ने 1000 ईस्वी से लेकर 1222 ईस्वी तक दक्षिण कौशल के क्षेत्र में राज्य किया। इसके शासनकाल को भी देख लेते हैं, कलिंग राज का जो शासनकाल था वो 1000 से 20 ईस्वी तक था, कमल राज का शासनकाल 1020 से 45 ईस्वी तक, रत्नदेव प्रथम का शासनकाल 1045 से लेकर 65 ईस्वी तक, पृथ्वीदेव प्रथम का शासनकाल 1065 ईस्वी से 1095 ईस्वी तक, 95 कहीं कहीं किताबों में 90 भी दिया गया है, ठीक है, तो 95 भी लिख सकते हैं, 90 भी लिख सकते हैं। जाजल्यदेव प्रथम का जो शासनकाल था 1090 से लेकर 1120 ईस्वी तक, रत्नदेव द्वितीय का शासनकाल कब से कब तक है, 1120 से लेकर 1135 ईस्वी तक, पृथ्वीदेव द्वितीय का शासनकाल 1135 से लेकर 1165 ईस्वी तक, फिर जाजल्यदेव का शासनकाल 1165 से लेकर 68 ईस्वी तक, जगतदेव का शासनकाल 1168 से लेकर 78 ईस्वी तक, रत्नदेव तृतीय का शासनकाल 1178 से लेकर 98 ईस्वी तक और प्रताप मल्ल का शासनकाल 1198 से लेकर 1222 ईस्वी तक। अब हम आते हैं इस क्वेश्चन पे, तो देखिए क्या कहा गया है कि सबसे ज़्यादा अभिलेख किस शासक के प्राप्त हुए। तो ऑप्शन है पहला पृथ्वीदेव प्रथम, ये है पृथ्वीदेव प्रथम। पृथ्वीदेव प्रथम का जो अभिलेख है वो जो एविडेंस है वो कहाँ कहाँ से प्राप्त हुआ है, अमोदा, रायपुर और लाफा से प्राप्त हुआ है, ठीक। दूसरा ऑप्शन क्या दिया गया है, प्रताप मल्ल। प्रताप मल्ल सबसे अंतिम शासक है कलचूरी वंश का। इसके जो ताम्रपत्र हैं वो कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं, कुनारी, पेंड्राबंद और बिलाईगढ़। जाजल्यदेव प्रथम इस कलचूरी वंश का सबसे प्रतापी शासक है। इसने त्रिपुरियों से, त्रिपुरी के जो शासक थे उनसे अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी थी और बहुत सारे सोने और तांबे के सिक्के जारी किए थे। इसके जो अभिलेख हैं वो पाली और रतनपुर से प्राप्त हुए हैं।
इसके बाद जो चौथा ऑप्शन है वो पृथ्वीदेव द्वितीय का है। ये जो पृथ्वीदेव द्वितीय है इसके सबसे ज़्यादा अभिलेख प्राप्त हुए हैं पूरे कलचूरी वंश में, लगभग 13 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी पृथ्वीदेव द्वितीय। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, निम्न कलचूरी शासकों के शासनकाल के अनुसार उन्हें क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर देखिए 5 कलचूरी शासकों का नाम दिया गया है और इन्हें क्रम में व्यवस्थित करना है इनके शासनकाल के हिसाब से। तो देखिए ये 5 कलचूरी शासक कौन कौन से हैं, पहला कमलराज, दूसरा जाजल्यदेव द्वितीय, तीसरा रत्नदेव द्वितीय, चौथा प्रताप मल्ल और पाँचवा जगतदेव या जगदेव। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी कलचूरी शासक हैं उनके नाम लिखे हुए हैं उनके शासनकाल के हिसाब से। तो सबसे पहले कौन होगा, सबसे पहले होगा कमलराज, फिर होगा रत्नदेव। देखिए यहाँ पर आप देखते जाइए, ठीक है, सबसे पहले कमलराज होगा, फिर होगा रत्नदेव द्वितीय, देन होगा जाजल्यदेव द्वितीय, फिर जगतदेव और सबसे लास्ट में होगा कौन, प्रताप मल्ल। तो कौन सा ऑप्शन है जिसका सीक्वेंस है 1, 3, 2, 5, 4? तो ऐसा सीक्वेंस है ऑप्शन नंबर सी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कलचूरी शासक ने सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण की थी? तो इस वंश का जो तीसरा शासक है पृथ्वीदेव प्रथम, इसके अमोदा ताम्रपत्र में इसे महामंडलेश्वर और समाधि गता शेष पंच महाशब्द कहा गया है। ठीक है, इससे ये समझ में आ रहा है कि ये जो है त्रिपुरी के कलचूरी शासकों के अधीन रहकर उनके सामंत के रूप में यहाँ पर कार्य कर रहा था, लेकिन ये 21,000 गांवों का स्वामी था। 21,000 गांवों का मतलब ये है कि लगभग पूरे कोसल क्षेत्र का ये क्या था, स्वामी था। इसलिए इसे सकल कोसलाधिपति की उपाधि से विभूषित किया गया था, इसे सकल कोसलाधिपति कहा जाता था, मतलब कि पूरे कोसल क्षेत्र का अधिपति। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी पृथ्वीदेव प्रथम। हमारा अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में कलचूरी शासकों की राजधानी को क्रम से जमाइए। यहाँ पर 5 राजधानियों का नाम दिया गया है, खल्लारी, तुमान, रायपुर, रतनपुर और कोसगई। हमें इसे क्रमवाइज जमाना है और बताना है कि पहले कौन सी राजधानी थी कलचूरियों की और उसके बाद वो लाइन से कौन कौन सी बनती गई। ठीक है, तो स्टोरी पे आते हैं। देखिए सबसे पहले क्या हुआ था, 1000 ईस्वी में कलिंग राज ने दक्षिण कौशल पर आक्रमण किया था और दक्षिण कौशल के सभी जनपद को जीत कर यहाँ पर लाफा जमींदारी के अंतर्गत जो तुमान क्षेत्र था उसे अपनी राजधानी बनाकर दक्षिण कौशल में कलचूरियों की वास्तविक सत्ता को स्थापित की थी। तो पहली राजधानी क्या हो जाएगी, तुमान हो जाएगी, जो कि दूसरे नंबर पर लिखा हुआ है। उसके बाद क्या हुआ कि दक्षिण कौशल का जो तीसरा शासक था रत्नदेव प्रथम, उसने मणिपुर नामक ग्राम को रत्नपुर के नाम से बसाया और अपनी राजधानी को तुमाड़ से रतनपुर स्थानांतरित किया। कलचूरी काल में इस क्षेत्र को रत्नपुर या कुबेरपुर के नाम से जाना जाता था और वर्तमान में इसे रतनपुर कहा जाता है। तो दूसरी राजधानी क्या हो जाएगी, रतनपुर। देखिए ये 1000 की बात है, 1000 ईस्वी की बात है और ये जो रतनपुर राजधानी बनाई गई ये 1050 के आसपास की बात है। ठीक, उसके बाद क्या हुआ था, दक्षिण कौशल का जो अंतिम शासक था वो था प्रताप मल्ल। उसका शासनकाल था 1198 से लेकर 1222 ईस्वी तक। ठीक, इसके बाद जो भी यहाँ के शासक हुए उनकी कोई भी जानकारी हमें प्राप्त नहीं होती, इसलिए ये जो 200 से लेकर 300 वर्षों तक का जो समय है इसे कलचूरी काल का अंधकार युग कहा जाता है। फिर क्या हुआ था, यहीं पर 1300 ईस्वी के आसपास की बात है, जब खल्लारी क्षेत्र में लक्ष्मीदेव के शासनकाल का पता चलता है। संभवतः ये जो लक्ष्मीदेव था, ये जो रतनपुर में कलचूरी शासक जो है जो राज्य कर रहे थे उसका संबंधी था। ये जो रतनपुर राज्य था इसके कनिष्ठ शाखा के रूप में वो खल्लारी में क्या कर रहा था, शासन कर रहा था। कैसे, जैसे कि त्रिपुरी के जो कलचूरी थे ये कलचूरियों की मुख्य शाखा थी और उसकी एक शाखा जो है प्रबंधन की दृष्टि से कहाँ राज्य कर रही थी, दक्षिण कौशल के क्षेत्र में राज्य कर रही थी। लेकिन बाद में क्या हुआ था, जाजल्यदेव के शासनकाल में इन्होंने खुद को स्वतंत्र घोषित कर लिया था। उसी प्रकार जब इस क्षेत्र का ये जो क्षेत्र था कलचूरी वंश का दक्षिण कौशल में बहुत ज़्यादा विस्तारित हो गया, तो प्रबंधन के दृष्टिकोण से
खल्लारी एक और ब्रांच हुई जहां पर संभवतः जो रतनपुर के कलचूरी थे उसका संबंधी लक्ष्मीदेव जो है वो राज्य कर रहा था। समय कैसा है, 1300 ईस्वी के आसपास की बात है। तो यहां पर खल्लारी को राजधानी बनाकर ये यहां पर शासन कर रहा था, लेकिन बाद में मतभेद होने के बाद इसने भी यहां पर स्वतंत्रता अपनी घोषित कर दी थी और स्वतंत्र रूप से यहां पर शासन करने लगा। तो 1300 ईस्वी के आसपास की बात है जब खल्लारी के राजधानी के रूप में कलचूरियों के राज्य करने की जानकारी मिलती है। तो तीसरी राजधानी क्या हो जाएगी, खल्लारी हो जाएगी। फिर क्या हुआ, 14वीं शताब्दी की बात है, ठीक है। 14वीं शताब्दी में यहाँ पर रतनपुर के क्षेत्र में जगन्नाथ सिंह के शासन करने की जानकारी मिलती है। किसकी, जगन्नाथ सिंह की। इसने क्या किया था, दक्षिण कौशल के एरिए को अपने दोनों बेटों में बंटवारा कर दिया था। इसका जो बड़ा बेटा था वो था वीर सिंह देव और जो छोटा बेटा था उसका नाम था देवनाथ सिंह देव। तो शिवनाथ नदी का जो ऊपर का एरिया था, जो 18 गढ़ थे, वो वीर सिंह देव को प्राप्त हुआ और शिवनाथ नदी के जो दक्षिण का एरिया था वो देवनाथ सिंह देव को प्राप्त हुआ। मतलब कि इसे रतनपुर की शाखा प्राप्त हुई और इसे रायपुर की शाखा प्राप्त हुई। तो ये समय जो था वो 14वीं-15वीं शताब्दी के आसपास की बात है। फिर क्या हुआ, इसका जो बेटा था केशव देव, इसने रायपुर को अपनी राजधानी बनाकर वो यहाँ शासन करने लगा। इसका जो समय था वो था 1420 ईस्वी के आसपास की बात है और उसके बाद इसके जितने भी वंश थे उन्होंने रायपुर शाखा में शासन किया। तो इस प्रकार से कनिंघम की रिपोर्ट के अनुसार केशव देव को रायपुर शाखा का क्या माना जाता है, संस्थापक माना जाता है, ठीक है। तो 1420 ईस्वी में किसकी राजधानी की जानकारी मिलती है, रायपुर को राजधानी बनाने की जानकारी मिलती है। इससे पहले भी रायपुर जो है वो राजधानी के रूप में बना था। क्या हुआ था कि जो इससे पहले जो खल्लारी में जो राज्य कर रहे थे शासक, उसमें हरि ब्रह्मदेव राय ने अपनी राजधानी जो है वो खल्लारी से रायपुर स्थानांतरित की थी, लेकिन फिर कुछ कारणों की वजह से फिर क्या हुआ कि रायपुर अपने ही शासनकाल में इसने अपनी राजधानी को रायपुर से फिर से खल्लारी स्थानांतरित कर दी थी। तो देखिए ये जो समय है ये 1400 से लेकर 1420 ईस्वी के आसपास की बात है जब रायपुर को राजधानी बनाया गया था कलचूरियों के द्वारा, ठीक है। तो चौथी राजधानी क्या हो जाएगी, रायपुर। रायपुर कौन से नंबर पर दिया गया है, 3 नंबर पर। अब देखिए समय है 1544 ईस्वी, मतलब कि 15वीं शताब्दी का अंत और 16वीं शताब्दी का प्रारंभ। इस समय ये जो वीर सिंह देव है इसका वंश जब आगे बढ़ता जाता है, तो मैंने क्या बताया कि 15वीं शताब्दी का अंत, इस समय रतनपुर क्षेत्र में वारेंद्र साय के शासन करने की जानकारी मिलती है। वारेंद्र साय का जो कोसगई का शिलालेख है और जो रतनपुर का शिलालेख है वहां पर इसके शासनकाल की जानकारी मिलती है। ये कहा गया है कि इसके शासनकाल में हाथियों को पकड़ने के लिए पठानों का आक्रमण हुआ था और उसी समय राज्य की सुरक्षा की दृष्टि से इसने अपनी राजधानी को कुछ समय के लिए कोसगई स्थानांतरित कर दिया था। तो इसने अपनी राजधानी किसे बनाई थी, कोसगई को बनाई थी और ये समय कौन सा था, 1500 के आसपास की बात थी। तो पांचवी राजधानी क्या हो जाएगी, कोसगई। कोसगई का नाम कहाँ लिखा गया है, 5 नंबर पर लिखा गया है। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 2, 4, 1, 3, 5। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस मंदिर का निर्माण कलचूरी काल में नहीं किया गया था। इसमें ऑप्शन दिया गया है, ए नक्टा मंदिर शिवरी नारायण, बी राम टेकरी मंदिर रतनपुर, सी महामाया मंदिर चैतुरगढ़ और डी नारायण मंदिर खल्लारी। तो देखिए नक्टा मंदिर का निर्माण जो जादल देव प्रथम के द्वारा कराया गया था, इसका शासनकाल कब से कब तक था, 1090 से लेकर 1120 ईस्वी तक का था। इसने जाजलपुर नगर की स्थापना की थी जो कि वर्तमान में जांजगीर चांपा के नाम से जाना जाता है और वहाँ इसने विष्णु मंदिर का निर्माण कराया था। चूंकि इस मंदिर का जो कार्य है वो अधूरा रह गया था, निर्माण कार्य जो है, इसलिए इसे नक्टा मंदिर के नाम से जाना जाता है। इसका जो ऊपर का जो गुंबद होता है उसका निर्माण जो है वो पूरी तरीके से नहीं हुआ था। दूसरा ऑप्शन है राम टेकरी मंदिर। राम टेकरी मंदिर जो है इसका निर्माण जो बिंबाजी भोसले ने करवाया था। बिंबाजी भोसले जो है वो प्रत्यक्ष रूप से इस क्षेत्र में शासन करने वाले मराठा शासक थे, उन्होंने यहाँ पर राम टेकरी मंदिर का निर्माण कराया था जो कि कलचूरी कालीन नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, राम टेकरी मंदिर।
और जो ऑप्शन है उसे भी देख लेते हैं। जो तीसरा ऑप्शन है महामाया मंदिर चैतुरगढ़। महामाया मंदिर चैतुरगढ़ का निर्माण जो है वारेंद्र साई के द्वारा करवाया गया था जब वो यहाँ पर शासन कर रहा था 1544 लगभग 1480 से लेकर 1544 ईस्वी तक वो उसने यहाँ पर रतनपुर के क्षेत्र में शासन किया था। चौथा ऑप्शन है नारायण मंदिर खल्लारी। ये जो नारायण मंदिर है खल्लारी का, ये हरि ब्रह्मदेव राय जो कि यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, ये जो खल्लारी में शासन कर रहे थे लक्ष्मी देव, उसके बाद सिंघण, फिर रामचंद्र देव और उसका बेटा हुआ था हरि ब्रह्मदेव राय। इसके शासन काल में खल्लारी में देवपाल नाम के मोची ने वहाँ पर नारायण मंदिर का निर्माण कराया था जो कि मूलतः एक विष्णु मंदिर है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी रामटेकरी मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलचूरी काल में प्रशासनिक कार्यों में किस भाषा का प्रयोग किया जाता था। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है ए प्राकृत भाषा, बी संस्कृत भाषा, सी हिंदी भाषा और डी छत्तीसगढ़ी भाषा। तो देखिए वहाँ के जो भी आम जनता थी वो प्राकृत भाषा और छत्तीसगढ़ी भाषा का प्रयोग करती थी, लेकिन वहाँ के जो भी प्रशासनिक कार्य थे उसमें संस्कृत भाषा का प्रयोग किया जाता था। हमारा अगला क्वेश्चन है कलचूरियों की लहुरी शाखा के संबंध में सही कथन बताइए। तीन कथन दिए गए हैं और हमको ये बताना है कि सही कथन कौन सा है। इसमें पहला कथन है हटकेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण देवपाल ने कराया था। दूसरा कथन है हरि ब्रह्म देव राय ने अपनी राजधानी खल्लारी से रायपुर स्थानांतरित की थी। कनिंघम के रिपोर्ट के अनुसार रायपुर में लहुरी शाखा का संस्थापक केशव देव को माना जाता है। तो जो तीनों कथन है वो कलचूरियों की लहुरी शाखा से रिलेटेड है और ये हरि ब्रह्म देव राय जो शासक था उससे रिलेटेड है। तो देखिए 1400 से लेकर 1420 ईस्वी के आसपास की बात है जब इस क्षेत्र में हरि ब्रह्मदेव राय का शासन था। ये जो हरि ब्रह्मदेव राय है ये रामचंद्र देव का बेटा था। जब ये राजगद्दी पर बैठा तो इसकी राजधानी क्या थी, खल्लारी थी। उसके बाद इसने अपनी राजधानी को ट्रांसफ़र किया रायपुर और कुछ समय के बाद इसने फिर से अपनी राजधानी को खल्लारी स्थानांतरित कर दिया। इसकी जानकारी हमें कैसे मिलती है, इसके रायपुर और खल्लारी से प्राप्त हुए शिलालेख से मिलती है, जहाँ पर रायपुर के शिलालेख में समय दिया गया है 1402 ईस्वी और खल्लारी के शिलालेख में समय दिया गया है 1415 ईस्वी। मतलब कि 1402 ईस्वी के आसपास इसकी राजधानी रायपुर थी और उसके बाद 1415 ईस्वी के आसपास इसकी राजधानी जो थी वो खल्लारी थी। ठीक है, तो इसके जितने भी पहले शासक थे उनकी राजधानी खल्लारी थी, लेकिन 1402 ईस्वी में इसकी राजधानी रायपुर हुई और फिर बाद में फिर से खल्लारी हो गई। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि इसने अपनी राजधानी जो है रायपुर से खल्लारी जो है स्थानांतरित की थी। खल्लारी के शिलालेख में जानकारी मिलती है कि इसकी जो मुख्य राजधानी थी वो क्या थी, खल्लारी थी। ठीक है, इसके शासनकाल में हाजी राज नामक व्यक्ति ने हट्टकेश्वर महादेव के मंदिर का निर्माण कराया था। हट्टकेश्वर महादेव का मंदिर वही जो रायपुर के महादेव घाट में शिव मंदिर है उसी को ही कहा जाता है। तो जो पहला स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है, देवपाल ने नहीं हाजी राज ने इस मंदिर का निर्माण कराया था। दूसरा स्टेटमेंट कि हरि ब्रह्मदेव राय ने अपनी राजधानी खल्लारी से रायपुर स्थानांतरित की थी, तो हाँ की थी, दूसरा स्टेटमेंट सही है। और जो तीसरा स्टेटमेंट है कनिघम की रिपोर्ट के अनुसार रायपुर में लहुरी शाखा का संस्थापक केशव देव को माना जाता है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। कैसे ये मैं बताती हूँ। जैसा कि मैंने आपको कहा कि इसने अपनी राजधानी जो है फिर से खल्लारी स्थानांतरित कर दी और इसी समय क्या हुआ था, जो रतनपुर का शासक था केशव देव वो रायपुर को राजधानी बनाकर यहाँ पर शासन करना प्रारंभ करता है। यहाँ पर क्या हुआ था, 14वीं शताब्दी की बात है जब जगन्नाथ देव ने अपने पूरे क्षेत्र का बंटवारा कर दिया था अपने दो बेटों में, जहाँ पर जो रतनपुर की शाखा थी वो किसे मिली थी, वीर सिंह देव को मिली थी और जो रायपुर की शाखा थी वो देवनाथ सिंह देव को मिली थी। देवनाथ सिंह देव का बेटा था केशव देव जो हरि ब्रह्मदेव राय के उत्तराधिकारी के रूप में यहाँ पर रायपुर में शासन करने लगा और हरि ब्रह्मदेव राय जो है वो खल्लारी चला गया और इस क्षेत्र में शासन करने लगा और केशव देव के बाद जितने भी राजा हुए वो सभी के सभी रायपुर में शासन करने लगे। तो रायपुर शाखा के संस्थापक के रूप में केशव देव को माना जाता है क्योंकि सिर्फ कुछ समय के लिए हरि ब्रह्मदेव राय ने यहाँ पर राज्य किया था। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर कनिंघम की रिपोर्ट के अनुसार लिखा गया है, इसलिए हम ऐसा मानेंगे क्योंकि कनिंघम ने अपनी रिपोर्ट में क्या बताया कि केशव देव जो था वो रायपुर की शाखा का संस्थापक था। ठीक, तो इस प्रकार से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए दो और तीन, दो और तीन जो कथन है वो सही हैं। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, कवि गोपाल चंद्र मिश्र किसके राज दरबार में राज्याश्रित थे।
इसमें ऑप्शन दिया गया है ए तखत सिंह, बी अमर सिंह देव, सी राज सिंह और डी सिरदार सिंह। तो देखिए रतनपुर के कलचुरियों की बात चल रही है और ये समय कौन सा है, 1689 से लेकर 1712 ईस्वी तक। क्या था रतनपुर के कलचुरियों के शासकों की जानकारी हम देखें तो पहले वारेंद्र साय था, फिर कल्याण साय था, फिर बहुत सारे शासक हुए, फिर रणजीत साय शासक बना। रणजीत साय के तीन बेटे थे, तखत सिंह, सिरदार सिंह और रघुनाथ सिंह, जिसमें तखत सिंह का बेटा था राज सिंह। ये जो राज सिंह था ये औरंगजेब के समकालीन था, जो मुगल शासक औरंगजेब है उसके समकालीन था और इसके राज दरबार में पंडित गोपाल चंद्र मिश्र जो है वो राज्याश्रित थे, जिन्होंने खूब तमाशा की रचना की थी। खूब तमाशा जो है वो औरंगजेब की स्टोरी पे बेस्ड किताब है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राज सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कलचुरी शासक के शासनकाल में लक्ष्मणेश्वर या फिर लखनेश्वर मंदिर कहा जाता है, उसके जीर्णोद्धार कराया गया था। इसमें ऑप्शन दिया गया है जाजल्यदेव प्रथम, रत्नदेव तृतीय, पृथ्वीदेव द्वितीय और रत्नदेव द्वितीय। तो देखिए ये समय है 1178 से लेकर 98 ईस्वी तक का, जब यहाँ पर रत्नदेव तृतीय का शासनकाल था। इसके शासनकाल में इसका प्रधानमंत्री था गंगाधर, उसने खरौद में स्थित लक्ष्मणेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। ये वही मंदिर है जिसका निर्माण जो है वो शरबपुरी शासक ईशान देव ने करवाया था। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, किसके शासनकाल में, रत्नदेव तृतीय के शासनकाल में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसके शासनकाल में कलचुरियों का साम्राज्य अत्यंत ही विस्तृत हो गया था। देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है ए जाजल्यदेव प्रथम, बी जाजल्यदेव द्वितीय, सी पृथ्वीदेव प्रथम और डी पृथ्वीदेव द्वितीय। तो जाजल्यदेव के शासनकाल में इनके साम्राज्य का विस्तार बहुत ज़्यादा हुआ था। कहा जाए तो महाराष्ट्र से लेकर उड़ीसा तक और फिर ऊपर बालाघाट से लेकर नीचे चित्रकूट के एरिया तक इनके शासन का विस्तार हो चुका था। लेकिन पृथ्वीदेव द्वितीय के शासनकाल में समय क्या है, 1135 ईस्वी से लेकर 1165 ईस्वी तक। पृथ्वीदेव द्वितीय के शासनकाल में कलचुरी वंश का जो साम्राज्य है वो अत्यंत विस्तृत हो चुका था, जिसमें प्रमुख भूमिका जो थी इसके सामंत जगतपाल की थी, जो कि साहिल्य का वंशज था। इसके शासनकाल में पृथ्वीदेव द्वितीय ने सारंगढ़, धमतरी, गरियाबंद, नीचे कांकेर का एरिया, इन सबको कैप्चर कर लिया था। इसने चक्रकूट पर आक्रमण करके चक्रकूट को नष्ट कर दिया और वहाँ पर जो गंग राजा थे उन्हें समुद्र तट तक खदेड़ दिया था। देखिए जब पृथ्वीदेव का शासनकाल था उससे पहले रत्नदेव का शासनकाल था, जो उसके पिता थे, उस समय गंग राजाओं ने दक्षिण कौशल पर आक्रमण किया था। तो उससे बदला लेने के लिए जो पृथ्वीदेव द्वितीय है इसने क्या किया था, कलिंग पर आक्रमण किया। और जब इसने कलिंग पर आक्रमण किया तो उस समय अनंत वर्मन का जो बेटा था जटेश्वर मधुका भार्गव वो राजगद्दी पर बैठा था। तो कलिंग पर आक्रमण करके उसने उसे बंदी बना लिया और उस क्षेत्र पे भी अपना अधिकार जमा लिया। तो इस प्रकार से पृथ्वीदेव द्वितीय के शासनकाल में इस क्षेत्र का विस्तार जो है सर्वाधिक हो चुका था, या हम ये कह सकते हैं कि जाजल्यदेव के शासनकाल में जो भी विस्तृत एरिया था उसे एक्सट्रीम लेवल पर खींचने का काम किसने किया, पृथ्वीदेव द्वितीय ने। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी पृथ्वीदेव द्वितीय। तो दोस्तों ये थे कलचुरी वंश से रिलेटेड 15 क्वेश्चंस। आई होप आप लोगों को ये जितने भी क्वेश्चंस हैं उसके आंसर समझ में आए होंगे और कलचुरी वंश से रिलेटेड इससे संबंधित अगर कोई क्वेश्चन आया CGPSC प्रीलिम्स में तो आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। धन्यवाद। CGPSC की संपूर्ण तैयारी के लिए कॉम्पिटिशन कम्युनिटी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।